Assalamu alaikum. Today we are discussing the next important topic, such as the organelle and cell level. In previous lecture, we have discussed the organization levels, first step, such as the atomic and subatomic particle. In second, we have discussed the molecular level. Now we are third important topic of organization level, from which living organism are made up of. Third organization level of the living organism is organelle and cell level. What is the organelle and define organelle? Most important short question, what is the organelle and with its example, ठीक है? तो organelle क्या होता है और इसकी मिसाल क्या होती है वो हम discuss करते हैं. When the biomolecules are combined या assembled together to form a organelle, यानी कि जब biomolecules आपस में जुड़ते हैं, मिसाल के तौर पर ये biomolecules हैं, ठीक है? Biomolecules कौन थे? ऐसे bioelements थे जो ionic और covalent bond के जरिए से आपस में जुड़कर एक stable particle बना रहे थे, तब उसको हमने कहा था biomolecules. वो कहता है अब ये biomolecules जब आपस में combine होते हैं, biomolecules जब आपस में combine होते हैं तो एक subcellular structure बनाते हैं जिसे हम कहते हैं organelle. याद रखें बेटा, biomolecules are assembled in a particular way and form the organelle. जब biomolecules, जब biomolecule, पहले हमने कहा था bioelements, अब हमने कहा biomolecules जब आपस में जुड़ते हैं और एक organelle बनाते हैं जिसे हम कहते हैं organelle. Biomolecules are assembled to form organelle. अब इसमें cell किसे कहते हैं? Organelle छोटा होता है जो cell के अंदर मौजूद होता है. जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सेल है. अब सेल के अंदर एनिमल सेल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है. तो ये ऑर्गेनेल छोटे हैं, ये हैं ऑर्गेनेल, ये हैं ऑर्गेनेल, ये छोटे हैं, जबकि सेल क्या है? बड़ा है. सेल बड़े, ऑर्गेनेल छोटे हैं, तो इसलिए ऑर्गेनेल पहले बनता है, उसके बाद ऑर्गेनेल आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट आर कंबाइंड. जब यही ऑर्गेनेल आपस में जुड़ते हैं तो यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेल. तो इसे हम सेल कहते हैं. द ऑर्गेनेल आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. अब हम सेल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं. नाम से ही जाहिर है, यूनि का मतलब एक सेल, मीन सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जस्ट वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. The cell, living organism that is made up of just one cell, जो just एक cell पर मुश्तमिल होता है, उसे organism को हम कहते हैं unicellular organism. Uni का मतलब एक, cell means cell, यानी एक cell वाले जानदार, एक cell वाले जानदारों को हम unicellular जानदार कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर bacteria है, bacteria और protists है, ठीक है, इसमें तमाम की तमाम जो body है just एक ही cell पर मुश्तमिल होती है, और कोई इसमें सेल नहीं होता, जस्ट सिंगल सेल पर ये अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं. तो अगर हम इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, सेलुलर मीन सेल, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा यानी मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इसमें अप टू ट्रिलियंस, ठीक है, एक से ज्यादा ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जो के मल्टीसेलुलर जानदार ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिवेलप करते हैं. उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, अगर ईच ऑर्गेनेल आर स्पेसिफिक फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शन, इसमें जो ऑर्गेनेल होता है वो हर ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन काम करता है, यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक जैसा काम नहीं करता. मिसाल के तौर पर हर ऑर्गेनेल है वो अपना डेफिनेट, जैसे ये रेड कलर की, मिसाल के तौर पर ये रेड कलर की ऑर्गेनेल है तो ये रेड कलर ही राइट करेगा, रेड कलर को ही लिखेगा, यानी रेड कलर की राइटिंग देगा, और ये ग्रीन की, और ये ब्लू की, और ये ब्लैक की, डिफरेंट बोर्ड मार्कर डिफरेंट राइटिंग देंगे. ठीक उसी तरह जो ऑर्गेनेल है वो भी अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, सेम फंक्शन सारे ऑर्गेनेल नहीं करते, हर फंक्शन अपना, जो ना हर ऑर्गेनेल अपना फंक्शन करता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेल का फंक्शन. राइबोसोम, अब राइबोसोम क्या कहता है? राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेल होता है जो सिंथेसिस, द फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन को बनवाता है, यानी ये प्रोटीन बनाने का जो काम करता है उसे हम कहते हैं राइबोसोम. राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑर्गेनेल है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन करता है.
अब सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? द सेलुलर रिस्पायरेशन, इफ द रिस्पायरेशन आर टेक प्लेस विद इन द सेल देन इट इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है उसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो सिंपल सी बात है, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी पैदा करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम भी देते हैं, एनर्जी पैदा करने वाला हाउस, जैसे पावर स्टेशन होता है, ठीक है, जहां पर एनर्जी पैदा होती है। तो माइटोकांड्रिया पूरी सेल के अंदर जो क्या करता है, एक पावर, यानी कि पावर सप्लाई मींस एनर्जी पैदा करने वाला एक ऑर्गेनेली है। उसके बाद ऑर्गेनेली फंक्शन इज द सेलुलर रिस्पायरेशन, ये माइटोकांड्रिया का हो गया। अब ये जो ऑर्गेनेली है वो डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, यानी कि हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करते हैं और मुकम्मल एक सेल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें, यहाँ पर एक एनिमल सेल बनाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर एक एनिमल सेल है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ऑर्गेनेली देखते हैं। तो ये क्या है? माइटोकांड्रिया, जहां पर रिस्पायरेशन हो रही है और एनर्जी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बन रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, और उसके बाद ये राइबोसोम, छोटे छोटे राइबोसोम मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर एक सेल को डिवेलप कर रहे हैं और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था ऑर्गेनेली और सेल लेवल जिसका हमने डिस्कस किया। अगर इसके मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम उसका आंसर दे सकें। और कोई मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।